हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूं जो हमारे शरीर में रक्त, मांस और वीर्य, इन तीन चीजों को बढ़ाने का काम करती है। वो चीज है दोस्तों, खजूर। 15 दिन रोजाना खजूर खाकर देख लीजिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, शरीर में खून कम हो चुका है, तो रोजाना खजूर खाना शुरू कर दीजिए। खजूर हमारे शरीर में वात और पित्त दोनों धातुओं का नाश करती है, यानी अगर ये बढ़ जाएं तो इनका नाश कर देती है। ये हमारी मांसपेशियों में होने वाले दर्द को दूर करती है। खजूर हमारे शरीर में वीर्य धातु को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए आयुर्वेद की किताब में ये लिखा गया है कि ये रक्त, मांस और वीर्य, इन तीनों को बढ़ाती है और शरीर की 120 बीमारियों का नाश करती है। खजूर शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। खून हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक बहुत आराम से पहुंच पाता है। हम दिल के रोगों से बचे रहते हैं। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के मुताबिक, जो कि वाग्भट ऋषि जी ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी, उसके अनुसार वात, पित्त और कफ के आधार पर आपको खजूर का सेवन दूध के साथ करना चाहिए, पानी के साथ करना चाहिए या फिर इसको एज इट इज ही खाना चाहिए। खजूर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं। स्पेशली इसके अंदर सिलेनियम होता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, आयरन मिलता है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी हड्डियों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ यह हमारे हृदय यानी दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर करता है। खजूर के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम, बायोटिन और प्रोटीन होता है, जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद है। अगर आपके बाल बहुत कमजोर हैं, बहुत पतले हो चुके हैं, झड़ते बहुत ज्यादा हैं, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, उनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो आपको खजूर का सेवन रोजाना करना चाहिए, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप चाहें तो आप खजूर का सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बालायाम प्राणायाम करें, यानी कि नाखूनों को आपस में रगड़िए। ऐसा करने से बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, आपको गठिया की समस्या है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको अर्थराइटिस की समस्या है, आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है यानी आपको मसल पेन है, आपके जोड़ों में से आवाज आती है, तो आपको खजूर का सेवन रोजाना जरूर करना चाहिए। आपको इसका सेवन दूध के साथ करना है, लेकिन आप जब दूध में डालकर इसको पकाएं, यानी कि उबाला दे दूध को, तो इसके अंदर 2 चुटकी आप हल्दी भी मिक्स कर दीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, इस कारण से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके हर एक बॉडी के जोड़ में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, जोड़ आपस में टकराने लगे हैं और जोड़ों से आवाज आ रही है, तो आपको रोजाना हल्दी, दूध और खजूर का सेवन रात को सोते टाइम करना है। इसके अलावा जिनकी नसों में कमजोरी रह रही है और कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा पूरी टांग में दर्द जाता है, तो आपको दूध के साथ इसका सेवन करना है, लेकिन उस टाइम आप दूध के अंदर 2 चुटकी से लेकर 3 चुटकी मेथी का पाउडर मिक्स कीजिए और फिर इसे सेवन कीजिए। ऐसा करने से आपको एनर्जी मिलेगी, बॉडी को कैल्शियम भी मिलेगा, इसके साथ साथ जो नसों में आ रही कमजोरी है और वात रोग से होने वाली समस्याएं हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। इसके अगले फायदे की बात करूं तो ये पुरुषों के लिए है जिनके अंदर अंदरूनी कमजोरी बहुत ज्यादा है, वो एक्टिव फील नहीं करते, बहुत ही आलस रहता है उनके अंदर, तो पुरुषों को रोजाना ही खजूर का सेवन सिर्फ रात को सोते टाइम, वो भी दूध के साथ करना है। इस तरीके से सेवन करने से पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी दूर होती है और स्पर्म काउंट भी बढ़ते हैं। इसके अलावा जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर है, उन लोगों ने दूध के साथ ही सेवन करना है खजूर का। और दोस्तों, अगले फायदे की बात करूं तो जिनको भी एनीमिया की समस्या है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, यह ज्यादातर समस्या महिलाओं में होती है। महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होने के कारण उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनको थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, जब वो चलते हैं तो सांस फूलती है, इसीलिए उनके अंदर खून की कमी होने के कारण ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको रोजाना खजूर का सेवन करना चाहिए। आप रात को खजूर 2 से 3 भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कीजिए। अगले फायदे की बात करूं तो जिनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, तो खजूर खाना उनके लिए एक औषधि की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर की वजह से यह कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होने देता, पेट को अच्छे से साफ करता है।
इसके अलावा पेट फुला हुआ अगर आपको महसूस होता है, आपके अंदर अपच बहुत ज़्यादा है, यानी खाना अच्छे से पचता नहीं है, आपके अंदर वो ना पचा हुआ खाना अंदर ही पेट में सड़ जाता है, तो दोस्तों आज से ही आप पानी में भिगोकर सुबह खजूर खाना शुरू कर दीजिए, पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अगले फायदे की बात करूं तो जिनको भी स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, खजूर के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी त्वचा पर ओज, तेज और चमक को बढ़ाती हैं। अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं तो आप खजूर का सेवन करना आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि खजूर हमारे अंदर मेलानिन को कम करने का काम करती है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। अगर आपकी स्किन पर बहुत जल्दी पिगमेंटेशन हो जाती है और आप बहुत सारे इलाज फॉलो करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, आपका फेस का कलर डल पड़ता जा रहा है यानी डार्क हो रहा है, तो आपको रोज़ाना खजूर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि फेस से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, या फिर मैं ये कहूँ कि स्किन से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर खून साफ ना होने के कारण या फिर बॉडी में खून की कमी होने के कारण होती हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में पित्त बढ़ जाता है तो होती हैं, लेकिन पित्त की कंडीशन में यानी कि बॉडी में एसिड बढ़ने की कंडीशन में आपको खजूर का सेवन पानी में भिगोकर ही करना है, आप दूध में उबालकर नहीं करें। जिनका नर्व सिस्टम सही से काम नहीं करता, आपको बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, तो आपको खजूर के फायदे ज़रूर लेने चाहिए।